यशपाल जी, क्या मामला है? कुछ नहीं सर, थोड़ा बूढ़े हुए का लफड़ा था, पिताजी से थोड़ा झगड़ा हुआ, लोग दबंग लोग थे, उन्होंने मारपीट किया, उनकी जान ले ली। किसकी जान ले ली? पिताजी की। आपने पुलिस में कार्रवाई की है? जी करी है कार्रवाई वहाँ पे भी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, पुलिस ने यही बोला है कि अब कार्रवाई करेंगे इनके नाम में सब कुछ। क्या अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है? अभी पकड़ रखा है, कुछ लोग बाहर हैं उनको पकड़ने के लिए बोला है उन्होंने। मामला ये है कि वहाँ पे जैसे ग्राम पंचायत की जगह थी पहले तालाब, उसको उसने जैसे प्रधान ने नपवा के निकलवा दिया। उसे निकलवाने के बाद 4 साल हो गए उसको पड़े पड़े। अब ये ज़बरदस्ती से बोलने लगा कि मैं जोतूंगा। उसे जोतने की बोला, हम लोगों ने 2 तसले ले जाकर वहाँ पर घूरे के डाल दिए थे, घूरा डाल दिया था। इसने ज़बरदस्ती से सुबह जाके जोत दिया। उसे जोतने के बाद मैंने मोबाइल से वीडियो बनाया, नहीं चला, इसके लड़के ने छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद मैं वहाँ से आ गया, मैंने 100 नंबर पर कॉल किया, कॉल करते ही पुलिस आ गई वहाँ पर। पुलिस आने के बाद ये अपना ट्रैक्टर पहले ही लेके घर पर आ गया, और लोग वहाँ पर रह गए थे। पुलिस ने वहाँ से बुलाया था इन लोगों को, ये पहुँच गए वहाँ पर। तो उन लोगों ने जैसे प्रधान क्या नाम है कोई ख़त्म हो गया था वहाँ पर। उसके बाद मैं वहाँ पर आया था तो इसकी बीवी ने मुझसे एकदम झपटा मारने को, मैंने बोला देख मेरे से लड़ाई मत कर। ये बोली कि नहीं नहीं, तू मेरे द्वार पर होकर कड़ेगा, तू मेरे खेत पर होकर कड़ेगा, मैं कड़ने नहीं दूंगा तुझे, क्योंकि पहले मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे, इसका ही नाम आया था उसमें। उसके बाद अब ये लड़ाई हुई थी तो मुझे पुलिस वालों ने उठा के पहले रख लिया था गाड़ी में, मैं वहाँ से लेके आ गया, मुझे और उसके पिताजी को लेके थाने आ गए। थाने में आते ही पुलिस वालों ने 2-4 डंडे मार दिए मेरे। डंडे मारने के बाद फिर ये लोग वहाँ पर रह गए थे, इन लोगों ने जुट के उसको डाल के धत्ती पे उसके सर में ईंट मारा। किसको मारा था? रामधनुष भाई को, उसके बाद लड़कों ने। लेकिन वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था, उनके ये लड़के थे, मैं थाने में आ गया था जब तक, इतना मुझे पता है। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस पता नहीं क्या कार्रवाई कर रही है वहाँ पे, जैसे ख़त्म हो गए। तो जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।